दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल हैं। आज का एपिसोड में आप लोगों को दिखाएंगे छठ पूजा। छठ पूजा कैसे होते हैं, स्पेशली ये बिहार और झारखंड का त्यौहार है, पर बंगाल में भी ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। कलकत्ता का या बैरकपुर का कुछ पार्ट मैं दिखाऊंगा। अब देखिए, कलकत्ता में या बैरकपुर में जब काली पूजा विसर्जन चल रहा है समारोह, तभी छठ पूजा के लिए गंगा किनारे की तरफ चल पड़ा है। भक्ति के श्रद्धा के साथ प्रणाम करते करते और छठ पूजा का जो सामग्री होता है, देखिए वैन में रख के ये लेके जा रहे हैं पूरा पूजा का सामग्री। और जो लोग छठ मैया को मानत करते हैं कुछ, रास्ते में देखिए ये लेटते हुए श्रद्धा के साथ गंगा किनारे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ गंगा है, इसलिए गंगा किनारे सभी इस पूजा को मनाते हैं। और कहीं कहीं तालाब के किनारे में भी करते हैं, कहीं नदी मिलता है किसी भी टाइप का नदी, वहाँ भी चला जाते हैं। किसी भी छठ पूजा का मेन उद्देश्य है कि सूरज भगवान जो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दूसरे दिन सुबह जल में खड़ा होकर पूजा करके उनको जल चढ़ाते हैं। साथ में ठेकुआ होता है इनका, एक स्पेशल भगवान को चढ़ाने के लिए छठ मैया को ठेकुआ जो बनाते हैं वो आम का लकड़ी से ही बनाया जाता है। इन लोग जब ये प्रसाद बनाते हैं तो बहुत नियम के साथ व्रत रख के ये सारे चीज़ करना होता है बड़ा शुद्ध तरीके से। बाजा बजाते हुए कुछ कुछ टीम के साथ भी जाते हैं ऐसे ही गंगा घाट के तरफ। बैरकपुर घाट में कहीं ऐसे जगह बना हुआ, अलग अलग घाट है जहां ऐसा पूजा का आयोजन किया गया है। हर तरह से सहयोग कर रहा है, जैसे प्रशासन और म्यूनिसिपलिटी की तरफ से भी पूरा प्रबंध किया गया है। अब देखिए, जब मन्नत रख के भक्ति के साथ व्रत रख के ऐसा जमीन में लेटते हुए जाते हैं, तब उस टाइम पे सभी उसको प्रणाम करते हैं। बहुत श्रद्धा के साथ एक पूजा होता है। आपको अलग अलग सिटी में अलग अलग दृश्य मिलेगा, पर मकसद सबका एक ही है। पुराण का कहानी के अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न मत प्रकट करते हैं। कोई बोलते हैं करण भगवान पहले छठ पूजा शुरू किया था क्योंकि वो सूर्य का पुत्र था। अब देखिए, ऐसे जल चढ़ाते हैं जब पूजा के बाद पानी में खड़ा होके एक कट्ठा जब दिखने को मिलता है, ऐसा भी कहीं जगह भी सीनरी आप लोग को दिखने को मिलेगा। किसी किसी सिटी में इस टाइप का भी आपको मिलता है। अलग अलग घाट का फोटो आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये सामने का जो सूरज देवता जो डूबने जा रहा है उस तरफ सैरोफुली है, मैं बैरकपुर की तरफ खड़ा हूँ, तो वहाँ का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। हालांकि फ़ोटो में अच्छा से नहीं दिखा पा रहा हूँ, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। उस तरफ भी बहुत अच्छा लाइटिंग या घाट को सजाया गया है, आप लोग जैसे जूम में देख पा रहे हैं ऐसा कहीं जगह पर दिख रहा है। दूसरा, कभी कभी ये सुनने में आता है कि राम जी जब रावण वध करके आए थे तो इस टाइम पे सूरज भगवान को जल चढ़ाया था पानी में खड़ा होके, तो ये भी एक कहावत है। कोई कोई बोलते हैं पुराण मत में राजा था, उनका पुत्र संतान प्राप्ति के उद्देश्य में ये छठ पूजा किया गया था। ये दीपावली का लगभग छठा दिन होता है, जैसे पंचमी षष्ठी, तो षष्ठी में ये पूजा होता है। तो शाम का टाइम एक बार होता है ये, जब सूरज डूबने लगता है और दूसरा दिन सुबह जब सूरज उगने लगता है उसी टाइम पे पूजा किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है बिहार और झारखंड में, पर अभी पूरा देश में, भारतवर्ष का हर एक कोने में ऐसा पूजा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा संप्रदाय का जैसा बंगाली लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं, पूजा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए।